रवां साल 2019 की आखिरी सहमाही का क्रिकेट शेड्यूल, कौन सी टीम किसके खिलाफ नबरद आजमा होगी, मद्दे मुकाबल आने वाली टीमों का साबका हेड टू हेड सीरीज रिकॉर्ड क्या है, 2019 के आखिरी तीन माह में कितनी इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएंगी, ये और दीगर तमाम तफसीलात इस वीडियो में मुलाहजा करें। भारत बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, तीन T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो जाने के बाद भारत और जनूबी अफ्रीका के माबेन तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में, जबकि अगले दो टेस्ट 10 और 19 अक्टूबर को बेलतरतीब पुणे और रांची में शुरू होंगे। ये भारत और जनूबी अफ्रीका के माबेन भारतीय सरजमीन पर खेली जाने वाली 7वीं टेस्ट सीरीज है। इससे पहले खेली गई 6 में से 3 सीरीज मेजबान भारत ने जीती हैं, जबकि सन 2000 में जनूबी अफ्रीका ने यहां अकलौती टेस्ट सीरीज जीतने के अलावा 2008 और 2010 की सीरीज ड्रा की थी। श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन तीन वनडे मैचेस की सीरीज के अख्ताम पर इतने ही मैचेस की सीरीज का आगाज 5 अक्टूबर से लाहौर के कजाफी स्टेडियम में हो रहा है, जिसका दूसरा मैच 7 जबकि तीसरा और आखिरी T20 मैच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान का ना सिर्फ श्रीलंका बल्कि दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ अपने मुल्क में साबका T20 रिकॉर्ड नाकाबिल यकीन है, जो अपने होम ग्राउंड पर दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है, जिसने हालिया सीरीज से पहले श्रीलंका के खिलाफ अपने मैदानों पर खेली गई दोनों T20 सीरीज जीती हैं। वाज़ह है कि इनमें 2007 की वो T20 सीरीज भी शामिल है जिसके पहले दो मैचेस UAE में खेले गए थे। श्रीलंका का दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के दौरे से फारिग हो जाने के बाद रवां माह के आखिर में श्रीलंकन टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी, जहां वो 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। श्रीलंका का ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर बाहमी T20 रिकॉर्ड नाकाबिल यकीन हद तक बेहतर है, जो वहां 2010, 2013 और 2017 में खेली गई मुख्तसर फार्मेट की तीनों सीरीज में मेज़बान टीम को शिकस्त दे चुकी है। कैंगरोज के देश में इससे बेहतर T20 रिकॉर्ड दुनिया की किसी और टीम का नहीं, ताम इस बार श्रीलंका को कैंगरोज के देश में T20 सीरीज ना हारने का एजाज़ बरकरार रखना इंतहाई दुश्वार होगा। इंग्लैंड का दौरा न्यूजीलैंड, अगले माह यानी नवंबर के पहले रोज इंग्लिश टीम अपने दौरे न्यूजीलैंड का आगाज करेगी, जहां वो मेजबान टीम के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। ये दो टीमों के माबेन 5 T20 इंटरनेशनल पर मुश्तमिल दुनिया की अवलीन T20 सीरीज होगी। इससे पहले तारीख में दो टीमों के माबेन ज्यादा से ज्यादा 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली जा चुकी हैं। ये कीवी सरजमीन पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबेन खेली जाने वाली मजमुई तौर पर तीसरी T20 सीरीज है, जिसमें कीवीज को अपने मैदानों पर इंग्लैंड के खिलाफ कभी सीरीज ना जीतने की नौसत खत्म करने का चैलेंज दरपेश है, क्योंकि इससे पहले 2008 और 2013 में खेली गई साबका दोनों T20 सीरीज में इंग्लिश टीम फाते रही थी। पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया, रवां साल के 11वें महीने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वो 3 से 8 नवंबर तक 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के अलावा 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। ये मैच दूसरा मौका होगा जब कैंगरोज के देश में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें किसी बाहमी T20 सीरीज में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। इससे पहले वहाँ दोनों टीमों के माबेन वाहिद T20 सीरीज 2010 में खेली गई थी, जो सिर्फ एक मैच पर मुश्तमिल थी और इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को फतह मिली थी। अपने दौरे ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम मेजबान कैंगरोज के खिलाफ ब्रिस्बेन और एडिलेड के मकाम पर 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जो ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर पाकिस्तान की 13वीं टेस्ट सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम आज तक ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है, जो वहां 9 सीरीज हारने के अलावा 3 सीरीज ड्रा करा सकी है, और ऐसा आखिरी वाकया 1979 के दौरे में पेश आया था, जिसके बाद वहां 1980 से खेली गई 8 टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश का दौरा भारत,
रवां साल नवंबर के पहले हफ्ते में बांग्लादेशी टीम भारत की मेहमान बनेगी, जहां वो पहले 3 से 10 नवंबर तक 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। ये मैचेस दिल्ली, राजकोट और नागपुर के मकाम पर खेले जाएंगे। ये दोनों टीमों के माबेन भारतीय सरजमीन पर खेले जाने वाली अव्वलीन बाहमी T20 सीरीज होगी। 3 T20 इंटरनेशनल्स के बाद भारत और बांग्लादेश के माबेन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 14 नवंबर से इंदौर में जबकि दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगा। ये बांग्लादेश और भारत के माबेन भारतीय सरजमीन पर खेली जाने वाली महज दूसरी टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले दोनों टीमों के माबेन वहाँ 2017 में सिर्फ एक टेस्ट मैच पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज खेली गई है, जिसमें भारत ने कामयाबी हासिल की थी। न्यूजीलैंड का दौरा ऑस्ट्रेलिया। रवां साल के आखिरी माह में कीवी टीम अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया की मेहमान बनेगी, जहां वो 3 टेस्ट खेलेगी, जिसके बाद वो अगले साल मार्च में दोबारा वहां जाकर 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। तहम उस सीरीज की तफसील 2020 के शेड्यूल पर जल्द बनने वाली हमारी अगली वीडियो में पेश की जाएगी। रवां साल के आखिर में कीवी टीम कैंगरोस के देश में अपनी तारीख की 13वीं बाहमी टेस्ट सीरीज खेलेगी। इससे पहले वहां खेली गई सबका 12 में से सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में कीवीज को फतह मिल सकी है, जबकि 8 सीरीज में शिकस्त खाने के अलावा उसने 3 अवे सीरीज ड्रा की हैं। अफगानिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज। नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय सरजमीन पर शुरू होने वाली एक और T20 सीरीज में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें मदे मुकाबले आएंगी। इस सीरीज के 3 T20 मैचेस 5 से 9 नवंबर तक डेहराडन में खेले जाएंगे, जिसके बाद इसी ग्राउंड पर दोनों टीमें 3 वनडे मैचेस की बाहमी सीरीज खेलेंगी। वनडे सीरीज के मैचेस 13, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। बाद अजां 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के माबेन दौरे का वह टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो इन दो टीमों के माबेन खेला जाने वाला तारीख का अव्वलीन टेस्ट मैच होगा। वेस्ट इंडीज का दौरा भारत। वेस्ट इंडियन टीम भारतीय सरजमीन पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों फॉर्मेट की सीरीज से फारिग हो जाने के बाद मेजबान भारत के खिलाफ 3 T20 और इतने ही वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में पहले T20 मैचेस खेले जाएंगे, जो 6, 8 और 11 दिसंबर को होंगे, जिसके बाद वनडे सीरीज के मैचेस 15, 18 और 22 दिसंबर को खेले जाएंगे। T20 फॉर्मेट में भारत दूसरी बार वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। इससे पहले उनके माबेन भारतीय सरजमीन पर वह T20 सीरीज 2018 में खेली गई थी, जिसमें भारत ने 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। T20 सीरीज के बाद भारत और वेस्ट इंडीज के माबेन शेड्यूल 3 वनडे मैचेस की सीरीज दोनों टीमों के माबेन भारत में होने वाली मजमुई तौर पर 11वीं वनडे सीरीज होगी। इससे पहले दो टीमों के माबेन वहां खेली गई सबका 10 में से 6 वनडे सीरीज भारत ने जबकि 4 वेस्ट इंडीज ने जीती हैं। इंग्लैंड का दौरा है जनूबी अफ्रीका। इंग्लिश टीम रवां साल के आखिरी हफ्ते में सेंचुरियन के मकाम पर बॉक्सिंग डे टेस्ट से दौरा जनूबी अफ्रीका का आगाज करेगी। इस सीरीज में वो मेजबान टीम के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जिसके बाद वो अगले बरस के अवायल में 3 वनडे और इतने ही T20 मैचेस खेलेगी। तहम इसकी तफसील 2020 के शेड्यूल पर बनने वाली वर्ल्ड स्पोर्ट टीवी की अगली वीडियो में पेश की जाएगी। हालिया सीरीज जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर अफ्रीका और इंग्लैंड के माबेन खेली जाने वाली मजमुई तौर पर 20वीं बाहमी टेस्ट सीरीज होगी। वहां खेली गई सबका 19 टेस्ट सीरीज में 11 इंग्लैंड ने जबकि 5 मेजबान जनूबी अफ्रीका ने जीती हैं, जबकि वहां 3 टेस्ट सीरीज ड्रा हुई हैं। रवां सदी में वहां खेली गई 3 सीरीज में से 2 इंग्लैंड ने जीती हैं, जबकि 1 सीरीज बराबर हुई है।